बर्थडे पार्टी इज़ बेस्ड ऑन यूनिकॉर्न थीम्स। उसका इनविटेशन मम्मा सब लोगों को व्हाट्सएप पे भेज रही है। सो दिस इज़ अ फ्लेक्स प्रिंटिंग शॉप। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि दिशा के बर्थडे के लिए ना एक बैकग्राउंड के लिए बैनर बनवाना है। अभी भैया डिज़ाइन कर रहे हैं एंड इज टेलिंग कि कम एंड कलेक्ट टुमारो, कल तक उनका रेडी हो जाएगा प्रिंट करके। लेट्स गो टू लोखंडवाला, और भी चीज़ें खरीदनी है ना। दिस प्लेस इज कॉल्ड वार्डन बेकरी। सो यहाँ से थोड़े कैनपीज, पिज़्ज़ा सॉस और मफिन्स, ये छोटे छोटे जो कॉइन साइज बंस होते हैं ना वो, और ये पिज़्ज़ा ब्रेड्स, ये सब हम ले रहे हैं। बाकी चीज़ें तो हम अभी लेके जा रहे हैं। कॉइन साइज बर्गर और पिज़्ज़ा ब्रेड ना हमने ऑर्डर दे दिया बिकॉज हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए ना, तो ऑर्डर ये कल प्रिपेयर करके हमें दे देंगे। वार्डन बेकरी के बाहर ही ना एक बहुत यमी दाबेली बनाता है एक भैया, वो खड़ा होता है। सो वी आर टेकिंग वन दाबेली एंड शेयरिंग। हमारे सारे ब्लैक स्केच पेंस की इंक फिनिश हो गई है। सो हम आए हैं ये स्टेशनरी शॉप पे थोड़ा कुछ स्केच पेन और चीजें बाय करने। दिस इज द नेक्स्ट डे फ्राइडे। हम दोनों स्कूल से आ गए हैं। अरे ये टेबल पे क्या रखा है? अच्छा वो बैनर जो हमने कल ऑर्डर करा था, बाद में देखेंगे। ये देखो पूरा घर का हालत ही पूरा मेसी हो गया, इतने डेकोरेशन करता सामान फैला हुआ है ना बर्थडे का। और जो बड़ा वाला सोफा ये भी शिफ्ट कर दिया पूरा। चलो बैनर खोल के देखते हैं। ओपन 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 ओपन। वाओ दिशा लिखा हुआ है नीचे, फ्लावर्स है और यूनिकॉर्न का हॉर्न भी है, रेनबो भी है ऊपर, तो सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली दृश्या का बर्थडे तो 10th November को था और अभी 10th December हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 month बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है बिकॉज पापा ना आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, फिर हमारा जूडो टूर्नामेंट आ गया, फिर मेरा कथक का एग्ज़ाम, तो बहुत डिले होता गया। सो अभी सेलिब्रेट हो रहा है आफ्टर 1 month। एट दिस इज द डोम्स का आर्ट किट जो मम्मा पैक कर रही है। एक्चुअली कल दृश्या का बर्थडे तो हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं विच इज़ 1 o'clock से स्टार्ट हो रहा है, बट दृश्या की जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसका मॉर्निंग में 11 o'clock से बर्थडे स्टार्ट हो रहा है, तो देयर ऑल्सो दृश्या इज गोइंग मॉर्निंग में, तो उसके लिए भी मम्मा गिफ्ट पैक कर रही है। आपको पता है ये वाली बोज कैसी होती है, रिबन वाली बोज? मुझे ना इनको करने में बहुत मज़ा आता है, मैं आपको दिखाती हूँ एक निकाल के। इस गिफ्ट पे लगाना है, तो इस पर दो बीच में स्ट्रिक्स होता है, इन्हें ऐसे पकड़ के नीचे पुल करते हैं और ये देखो अपने आप बो बन जाता है। सो प्रिटी, मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। इट्स रेडी। अब दृश्या के बर्थडे पार्टी के लिए भी रिटर्न गिफ्ट्स पैक कर देते हैं। दीज आर क्यूट हार्ट शेप्ड अलार्म क्लॉक्स। सो जब सब पैक हो जाता है ना मैं आपको दिखाती हूँ, तब बिकॉज आप बहुत बोर हो जाओगे। पैकिंग इज डन, सब पे वो वाली बोज भी लगा दिए एंड द पैकिंग पेपर इज अगेन यूनिकॉर्न थीम। ये स्मॉल पैकेट्स है जिसमें हम रिटर्न गिफ्ट्स डालने वाले हैं। दीज आर ऑल्सो यूनिकॉर्न थीम जिन पे रेनबो बनी हुई है।
दीज आर नेम टैग्स, हमें सारे बैग्स पे लगाने वाले हैं सारे बच्चों के नाम लिख के, बिकॉज ना थोड़े ऐसे भी फ्रेंड्स हैं दर्शा के जिनके छोटे भाई बहन भी हैं, सो उनके लिए हम ना ये वाली छोटे बच्चों वाली वॉचेस रख रहे हैं, तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि किसको कौन सा पैकेट देना है, सारे पैकेट्स पे लगाया हुआ है नेम टैग। ये सारी बर्थडे डेकोरेशंस है, हम आज सारी चीज़ें लगाने वाले हैं बैलून्स के अलावा, वरना ना फुस हो जाएंगे, और पार्टी कल है इसलिए कल ही मॉर्निंग में लगाएंगे। ये देखो मम्मा ने बैनर लगा दिया है। हमने कल जो ऑर्डर करे थे ना वो पिज़्ज़ाज और वो बंस वो सब आ गए हैं, और उनके साथ थोड़ी चॉकलेट्स भी आई है। यहाँ ये बैनर के ऊपर हैप्पी बर्थडे पे लगा दिया है अगेन यूनिकॉर्न थीम्ड। एंड दिस इज अ ड्रॉअर विच इज फुल ऑफ न्यू स्टेशनरीज, सो इसमें से ना हम थोड़े पेंसिल्स इरेजर्स ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं खोई बैग में डालने के लिए। ये यहाँ पे एक सिल्वर कर्टन लगाया है इस अलमीरा को हाइड करने के लिए। दिस इज द खोए बैग, इट इज अगेन यूनिकॉर्न थीम्ड, यूनिकॉर्न का हॉर्न एंड आईज, सो लेट्स ओपन इट। इसमें बहुत सारी स्टेशनरी और भर भर के चॉकलेट्स भर देते एकदम टॉप तक। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने चूज कर लिया था डाले के लिए, कुछ पेंस पेंसिल्स फिर विसल्स और स्टिकर्स। अब टॉफीज फिल कर देते हैं। खोई बैग इज रेडी, और पापा ना मॉर्निंग में यहाँ पे ऊपर लगा देंगे खोई बैग टांग देंगे, सो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। और आज ऋषा का बर्थडे है, इस वॉल को भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये टेबल है हमारी फूड टेबल, तो यहाँ पे फ्रूटीज और वो सब स्नैक्स रखने वाले हैं, अभी लगा रहे हैं सब चीज़ें। और पीछे वाली वॉल पे ना प्रॉप्स लगा के डेकोरेट कर दिया है। कोई बैग लग गया है, इट्स रेडी।
अभी 11 o'clock होने वाले हैं एंड दृश्या इज लीविंग फॉर अ बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। वैसे अजीब है ना, मैडम का बर्थडे है और किसी और की बर्थडे पार्टी में जा रही है। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो रहे हैं और पिज्जाज भी रेडी हो रहे हैं। ये सॉसेज है और ये कॉर्न साइज बर्गर्स, फिर ये कैनपीज, चॉकलेट्स बंच। दिस इज द फूड टेबल। सब नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारा चीजें दिखाएंगे, दिशा की बर्थडे पार्टी कैसी रही, कौन से गेम्स खेले और वो सारी चीजों का कितना मजा भी आया। बाय बाय।